अखिल भारतीय विजय वर्गीय वैश्य महासभा के चुनाव 11 फरवरी को होने जा रहे हैं। पूरा उत्साह देखने को मिल रहा है पूरे जो विजय वर्गीय समाज में, और 3 कैंडिडेट इस चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। 38,000 मतदाता हैं, और उत्साह के बीच जो 3 कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट हमारे साथ हैं, शुभांगी विजय वर्गीय जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काफी अपनी पहचान रखती है जो समाज के लिए उन्होंने सर्वांगीण जो क्षेत्रों में काम किया है। इनकी 10-12 साल की जो भी जर्नी है अपने बारे में इनसे पूछेंगे। शिवांगी जी, थोड़ा अपने बारे में बताएं किस तरह ये। नमस्कार। नमस्कार। मैं जयपुर में ही जन्मी हूँ। मेरे पिताजी श्री रमेश कुमार जी विजयवर्गीय, माता श्रीमती शांति देवी विजयवर्गीय और भैया संजय कुमार विजयवर्गीय है, जो शासन सचिवालय में है। मैंने ग्रेजुएशन किया है महारानी कॉलेज से, और जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मेरी उस समय इतना पढ़ाई का वो नहीं था, तो तुरंत शादी का वो प्रस्ताव आया और मनीष जी विजयवर्गीय से मेरी शादी हुई। ये इसलिए पसंद आया हमको क्योंकि ये युवा अध्यक्ष थे, समाज में काफ़ी काम करते थे और बहुत ही कर्मठ और सच्चे व्यक्ति थे। समाज में इनकी काफ़ी पहचान और बहुत ही उच्च स्तर के व्यक्ति हैं, और मुझे बहुत पसंद आए। हमारी शादी हुई 2001 में। उसके बाद हमारे डॉटर हुई, मेरी टू डॉटर है मेरी, तो आज से 11 साल पहले मेरी बड़ी डॉटर एक्सपायर हो गई थी, उसका हार्ट अटैक हो गया था। तो उसके बाद हम धर्म से जुड़े, ब्रह्मा कुमारी से जुड़े, ज्ञान से जुड़े, गीता से जुड़े, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को प्रेरणा मिली। हमारी डॉक्टर के जाने के बाद हम बहुत डिप्रेशन में हो गए थे उस समय, पर हमें बहुत प्रेरणा मिली बाद में ज्ञान से जुड़ने से, जिससे धीरे 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 हम समाज में और कार्य करने लगे। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चियों को जैसे हमने काम करवाया, कोरोना काल आया, कोरोना के अंदर मेरे हस्बैंड ने बहुत सेवा की लोगों की, यहाँ तक कि मेरे को अकेला मेरे दोनों बच्चों के संग 15 डेज अकेला रहना पड़ा वहाँ पे मुझे अकेला, और मेरे हस्बैंड को आउट ऑफ सोसाइटी से बाहर कर दिया गया 15 डेज के लिए। तो मैंने अकेले ही मेरे दोनों बच्चों को देखा, पर मेरा व्यवहार ऐसा था कि वहाँ के सभी लोगों ने मिलकर मेरे और मेरे बच्चे की बहुत अच्छे से देख रेख की उन सभी ने कोरोना काल में। और हमने, मेरे हस्बैंड ने कोरोना में इतनी ज़्यादा सेवा की लोगों की कि कुछ टाइम इनकी भी तबीयत खराब हो गई थी। इन्होंने बहुत सेवा की लोगों को, राशन पानी डिस्ट्रीब्यूट किया, कहीं कहीं जाकर लोगों को साबुन सोप्स वगैरह दिए, जगह जगह सफाई अभियान चलवाया। अगर पहली बात तो ये कि कितना उत्साह है आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपके जो मतदाता हैं, आपको कितनी उम्मीद है जीतने की, और दूसरा सवाल ये है कि अगर आप जीतती हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेंगी अध्यक्ष पद पर जब जीतने के बाद में? जी, सबसे पहले तो मैं युवाओं को आगे लाऊंगी। युवा पीढ़ी बहुत अभी हमारे समाज में काफ़ी पीछे है, मैं चाहती हूँ युवा आगे आए, जिससे अंतर जातीय विवाह भी कम हुए के हमारे समाज में। युवा आते ही नहीं हैं तो युवा एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे? आजकल वर्क फील्ड ही ऐसा हो गया है कि बच्चे वर्क में लगे रहते हैं, तो वही लड़का लड़की मिले वही विवाह हो जाता है। इसलिए हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, मातृशक्ति को आगे बढ़ाया जाए, सभी ऐसे गरीब बच्चों के लिए हम काम करेंगे जो बहुत नीडी हैं, या जिनके यहाँ समाज में भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें राशन पानी नहीं मिल पाता है, हम गुप्त रख के उनके लिए भी राशन पानी की व्यवस्था करेंगे। आप महिला हैं तो महिला सशक्तिकरण को लेकर आपकी क्या रूपरेखा है, क्या प्लानिंग है? और दूसरा, जो महिला आरक्षण बिल भी पास हो चुका है, तो उसमें अपने समाज का प्रतिनिधित्व किस तरह देखती है राजनीति में, और महिलाओं को किस तरह आगे लेकर आएंगी? जी, मैं बहुत एक गृहिणी हूँ अभी तो, और गृहिणी के रूप में ही मेरे हस्बैंड ने मुझे आगे बढ़ाया है, और मैं चाहती हूँ धीरे धीरे हर महिला इस क्षेत्र में आगे आए। हम राजनीति हो चाहे सामाजिक में हो, महिलाओं को बहुत बहुत आगे लेके जाएंगे। आगामी जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उस अभी हाल फिलहाल विधानसभा चुनाव अभी थोड़े दिन पहले ही गए, तो इस तरह चुनाव आते रहते हैं, तो उन चुनावों में आपके जो समाज का प्रतिनिधित्व है उसको लेकर आप सरकार से किस तरह कोई मांग करना चाहेंगी, या फिर कोई प्लानिंग है आपकी कि जरूरत पड़ी तो हम कोई कैंपेन चलाएंगे इसको लेकर? जी जी, हम चाहेंगे कि राजनीति में अगर कोई युवा या युवती आगे आना चाहती है तो हम चाहेंगे विजयवर्गीय समाज उसके पूरा सपोर्ट करके उसको आगे लेके जाए। हमारे साथ शुभांगी विजय वर्गीय जी के पति और उनके मुख्य चुनाव संचालक मनीष भाई योगी भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। मनीष जी, किस तरह की तैयारी है चुनाव को लेकर, और किस तरह का उत्साह है कार्यकर्ताओं में?
देखिए भगवान गीता के अंदर कहते हैं कि कर्म करो और फल की ओर ज़्यादा ध्यान ना हो, आसक्ति ना हो, तो उसी को जीने का प्रयास जीवन का हर दिन होता है और ये चुनाव भी उसी का एक हिस्सा है। और बहुत उत्साह के साथ, उमंग के साथ अपने समाज में जब होता है तो समाज एक बड़ा परिवार है, तो समाज के लोगों से कम्युनिकेट करना, उनसे मिलना, कहीं ना कहीं जो चुनाव चलता है तो पक्ष प्रतिपक्ष भी होता है, बहुत सारी बातें आती है, तो इन सब के अंदर सीखते हुए और गीता को जीना, सबके प्रति सद्भावना, प्रेम, एकता, जो समाज की मूल भावना है उसको रखते हुए मैं कहता हूँ कि इस इवेंट की जिसको एंजॉय कर रहे हैं, इन मूवमेंट्स को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और काफ़ी उत्साह है और कहीं जहां जा रहे हैं वहां पूरा मतलब कि वो दिल से इसको कहते हैं ना नुकसान है, क्योंकि शायद वो पुराने समय का शुभांगी जी का और हमारा जो जीवन कहीं ना कहीं रहा, एक आत्मीयता और एक प्रेम जो मिल रहा है, वो पूरा परिवार साथ में खड़ा है, हमारे पिताजी, हमारी माताजी, हमारी सासू माँ, 18 साल की बिटिया पूर्वी, सबका सहयोग बहुत अच्छे से मिल रहा है, निश्चित रूप से कबूल कर रहा है। क्या क्या एजेंडे होंगे जो चुनाव को लेकर, जिनको लेकर आप सबसे ज्यादा कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, तो सबसे पहले जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए सारा दुनिया का ऐश्वर्य है, तो योग है कैसा पूरी भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो भारत का मुख्य रूप से हमारी पहचान है सनातन की, योग, तो सनातन संस्कार और संस्कृति के साथ में योग को लेकर चलना, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पूरे दुनिया के अंदर उनका जो नजर दुनिया की भारत पे राज है, तो उसमें योग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और भारत को देखते हैं, तो क्योंकि मुझे भी एक व्यापारी से शिफ्ट करते करते भगवान ने योग के ऊपर जोड़ा, योगाचार्य के रूप में मैं सेवाएं योगापीठ संस्थान पूज्य योग गुरु ढाकराम जी के साथ देते आया हूं, तो जो जाना, जो समझा, जो सीखा, वो उस हर परिवार तक पहुंचाना चाहे उसकी आवश्यकता है, हमारा हर युवा, हमारा हर बच्चा, हर सब लोग एनर्जेटिक रहें, एक्टिव रहें, योग से जुड़े, प्राणायाम से जुड़े, ध्यान से जुड़े, जिससे उनके पूरे संपूर्ण जीवन के अंदर हर क्षेत्र के अंदर निखार आए, इसके लिए महासभा के तहत मुझे लगता है काम निश्चित रूप से करेंगे, मिलकर करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं शुभांगी विजयवर्गीय जी को के अध्यक्ष पद के, जो चुनाव में चुनावी मैदान में उतरी हैं, जरूर से जरूर विजयी हों और जो उत्साह उमंग लेकर जो उनके कार्यकर्ता पूरी तरह से उनके साथ जुटे रहे हैं, साथ ही जो मुद्दे और जो खासतौर से जो उनके लक्ष्य हैं वो पूरी तरह से सफल रहे, हमारी शुभकामनाएं हैं। फिलहाल विजय वर्मा, जनता दरबार न्यूज के लिए, नमस्कार।